बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमाल की वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। वीडियो क्या है जनाबे वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो ये है कि आपने अपने वाटर पम्प को 3 मीटर से कैसे ऑपरेट करवाना है, या फिर ऐसे कह लें कि आपका घर जो है 3 मंजिला है, 3 फ्लोर बने हुए हैं और हर फ्लोर का अलग अलग मीटर लगा हुआ है, तो आपके घर में एक ही वाटर पंप मौजूद है जो कि पानी को खींचने वाला पंप होता है। एक ही वाटर पंप मौजूद है और 3 मीटर मौजूद है। आप चाहते हैं कि हम अपने अपने मीटर से मोटर को ऑपरेट करवाएं तो कैसे होगा, ये वो वाला सर्किट है। आसान लफ्जों में कहूं तो 3 मीटर की मदद से मोटर को कैसे ऑपरेट करें, एक मोटर 3 मीटर या फिर 3 फेस, रेड येलो ब्लू 3 फेस हैं और एक मोटर है, अलग अलग फेस से मोटर को कैसे ऑपरेट करेंगे। जी नाजरीन, बहुत ही कमाल का सर्किट है। अगर आप भी अपने घर में ये सर्किट लगाना चाहते हैं या आपका घर 3 मंजिला बना हुआ है और उसके अंदर 3 अलग अलग मीटर लगे हुए हैं और एक वाटर पंप लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि हर एक फ्लोर वाला अपने अपने मीटर से मोटर को चलाए तो वो सर्किट कैसे बनेगा। ये सर्किट बहुत ही आसान है और इसकी मैंने सिंगल लाइन ड्राइंग भी बनाई हुई है जो कि मैं आपको यहाँ पर भी शो करूँगा और उस ड्राइंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके कनेक्शन में इसको आप सब भाइयों को, दोस्तों को यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तो आपने वीडियो का कोई भी सीन मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी वीडियो को, इसीलिए आपने मुकम्मल वॉच करना ताकि आपको विजय कनेक्शन आ जाए। चलो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइंग, ड्राइंग में आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम इसके कनेक्शन शुरू करेंगे। चलो चलिए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहनवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल नदीम शाहनवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलिए देखते हैं इसकी ड्राइंग कैसी है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 फेस है हमारे, रेड येलो ब्लू और यह है न्यूट्रल। आपने अगर आपके पास अलग अलग मीटर हैं तो उनकी न्यूट्रल को कॉमन भी कर सकते हैं या अलग अलग रखना चाहते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर विश। अगर मैं यहां पर आपको बताते चलूं, ये है हमारा पहले मीटर का सर्किट, ये है दूसरे मीटर का, ये है तीसरे मीटर का, आप ये भी कह सकते हैं एक फेस ये, दूसरा फेस ये और तीसरा फेस ये। जी यहां पर हमने लगाया हुआ है MCB न्यूट्रल के लिए। अगर आपका अलग अलग मीटर है तो आपने MCB न्यूट्रल पे लगाना है, फेस पे दोनों पे लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये आ गया हमारा MCB। MCB के बाद आ जाएगी हमारी इंटरलॉकिंग K2 K3। फॉर एग्जांपल आप इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवा रहे हैं तो आपने इन दोनों के साथ इसकी इंटरलॉकिंग करवानी है। ये है K2 और यह है K3, इन दोनों की है इंटरलॉकिंग। उसके बाद है ऑफ का पुश बटन, उसके बाद है ऑन का पुश बटन और ये K1, इसकी हमने होल्डिंग करवाई हुई है। जब हम इसको ऑन करेंगे ये आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और ये दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपके ऑफ ही रहेंगे, ये ऑन नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्योंकि यहाँ पर इनकी इंटरलॉकिंग हुई है। यही प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है, यानी कि एक मैं आपको समझा देता हूँ और दूसरा सेम प्रोसीजर इनका भी है। यहाँ पर हमने एक लाइट लगाई हुई है, ये वाली डायरेक्ट लाइट आप यहां पर भी ले सकते हैं किसी भी फेस से। और दूसरा यहां पर जो K1 की हमने होल्डिंग के जो है दूसरा पॉइंट K1 का जो नॉर्मल ओपन होता है, जब हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो आपकी लाइट भी ऑन हो जाएगी। आप अपने जहां पर पुश बटन लगाएंगे वहां पर कोई भी लाइट लगा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी मोटर ऑन हो गई है या नहीं हो गई है। ये है इसकी ड्राइंग। चलो चलते हैं हम सर्किट की तरफ, उसका सर्किट कैसे बने। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है और ये 3 हमारे पास पुश बटन है। आप ये वाला पुश बटन भी यूज कर सकते हैं और दूसरा पुश बटन भी यूज कर सकते हैं। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं बहुत ही आसान है। पुश बटन के कनेक्शन की मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि TPB2 के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और हर एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का अलग अलग से पुश बटन दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर यह है आपका फ्लोर 1,
फ्लोर टू और ये है आपका फ्लोर थ्री। अब हमने करेक्शन करना है फ्लोर वन का। ये मिसाल के तौर पर आपके पास जो वायर है ये है फ्लोर वन की, आपने क्या करना है इस वायर को लेना है मैग्नेटिक कंडक्टर टू जिनकी के टू की एनसी पॉइंट पर लगाना है। यह है हमारा के टू का एनसी पॉइंट, ये हमने वायर इसको यहां पर लगा लेना है। आपने प्रॉपर तरीके से लगानी है वायरें, खूबसूरत तरीके से लगानी है, मैं सरसरी सी लगा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अच्छा जी नाजरीन, ये है हमने ऑपरेट करवाना है ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर। अब हम ये कर रहे हैं इसकी इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग करने के लिए आपको चाहिए होंगी कुछ वायरें जो कि मैंने पहले से बना कर रखी हुई हैं। अच्छा, हमने मेन वायर यहां पर दे दी है और जो न्यूट्रल की वायर होगी आपने इसकी जो है इस मैग्नेटिक कंडक्टर की क्वाइल पर लगा देनी है। इसकी क्वाइल पर कहां पर लगेगी, ये इधर लगेगी जी। फ्रेंड्स, हमने न्यूट्रल लगा देनी है यहां पर ए टू पॉइंट पर ड्राइंग के मुताबिक। आप ए वन पर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाली न्यूट्रल हमने यहां पर लगा दी है और फेस हमने इंटरलॉकिंग के लिए मैग्नेटिक कंडक्टर टू पर लगाया हुआ है। अब हमने इसकी दूसरी तरफ से वायर लेनी है यहां से मैग्नेटिक कंडक्टर टू के नॉर्मल क्लोज के दूसरे पॉइंट से वायर लेनी है, जैसे कि हमने मेन यहां पर दी है और इससे ये वायर ले लेनी है और ये वाली वायर हमने लगा देनी है ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर यानी कि K3 की नॉर्मल क्लोज पर। ये जनाब यार हम कर रहे हैं इसकी इंटरलॉकिंग ताकि एक मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो दूसरे दो ना हो जी। फ्रेंड्स, यहां पर जो हमने वायर लगानी है वो लगेगी आपके पुश बटन की। यह है आपके पास पुश बटन। पुश बटन की जो आपकी कॉमन की वायर है, यह हमारी कॉमन की वायर जहां पर आपने लूप लगाना है। ये देखें हमने लूप लगाया हुआ है, यह है आपकी कॉमन की वायर। इस मैग्नेटिक कंडक्टर की दूसरी साइड है जो ये यहां से यहां पर आपने लगानी है वायर कॉमन की। यहां से चला जाएगा मैग्नेटिक आपके जो इस मैग्नेटिक कंडक्टर से इस पुश बटन पर आपका जी जो है फेस चला जाएगा जी। दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये है आपकी ऑफ की वायर, ये वाली इस मैग्नेट इस पुश बटन की, ये है आपकी ऑफ की वायर, ये है ऑफ, ये है इसकी वाइट वाली ऑफ की वायर है। ये ऑफ की वायर आपने इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की नॉर्मल ओपन की दूसरी साइड पर लगा दें या इस तरफ लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, क्योंकि हमने इसको ऑपरेट करवाना है, ये होल्डिंग के लिए हमने वायर को इस्तेमाल करना है। ये है इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट, यहां पर आपने लगा देनी है। इसके बाद आ जाएगी आपके पास ये ऑन वाली वायर, ये है आपका पुश बटन, ये है आपकी ऑन वाली वायर। इसके साथ आपने एक छोटा सा जम्पर लगा लेना है ताकि आप इसकी होल्डिंग कर सकें जी। दोस्तों, यह है आपकी ऑन की वायर। ऑन की वायर के साथ हमने एक लगाना है जम्पर। इस साइड पर हमने लगाई हुई है ऑफ की वायर, इसी की दूसरी जो तरफ है हम लगाएंगे ये ऑन वाली तार और एक इसका जम्पर। यह है एनो पॉइंट का दूसरा पॉइंट, यहां पर लगा लिया हमने ये ऑन वाली वायर और साथ इसके ये जो जम्पर है ये हमने होल्डिंग के लिए यूज किया है। जब हम इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद इसकी होल्डिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हम लगाएंगे ए वन पर, ये है इसका ए वन पॉइंट जहां पर हम इसको लगा देंगे इजीली। ये लग गई है जी, ये देखें आप देख सकते हैं यहां पर इजीली, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये ए वन है और ये हमारा लूप डाला हुआ, इसकी मदद से आपकी होगी होल्डिंग। यहां पर एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। दोस्तों, यहां पर हमारे एक जो है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर फ्लोर वन के जो है कनेक्शन वो कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हम इस दूसरे की तरफ, इसकी तरफ चलेंगे हम। हमने जब इसकी इंटरलॉकिंग करवाई थी इन दोनों के साथ करवाई है, अगर हमने इसको ऑपरेट करवाने तो इंटरलॉकिंग करेंगे हम इसके साथ और इसके साथ। अब हम एक और मेन वायर ले लेते हैं, ये है हमारी मेन वायर, ये है हमारा फेस। जो आपका फेस होगा
वो आपने K1 की नॉर्मल क्लोज पर लगा लेना है। ये देखें, ये है आपका फेस, K1 की नॉर्मल क्लोज पर लगा दिया है। और ये है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की क्वाइल के पॉइंट पर लगाना है। वो क्वाइल का पॉइंट कौन सा होगा, वो A2 पर लगा लें या A1 पर लगा लें, कोई मसला नहीं है जी। दोस्तों ये हमारा A2, ये वाला पॉइंट है A2, ये है आपका दूसरा फ्लोर वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अब हमने इसको अपडेट करवाना है। इसका जो फेस था ये K1 पर लगाया हमने, ये वाली वायर लगी हुई है, और जो न्यूट्रल है हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप इसका क्या होगा जी, वो हम आपको बता देते हैं। ये होगा कि ये है आपके पास K1 की दूसरी साइड ये है, यहां से हम एक और तार ले लेते हैं। ये तार हमने ले ली है। अब हमने इसकी जो है ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नंबर 3, ये है आपके पास नंबर 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसकी जो है नॉर्मल जो क्लोज होगी उस पर हमने लगा देना है। क्योंकि हमने जब ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये दोनों ऑफ होंगे। अब ये है इसका क्लोज पॉइंट, यहां पर हमने ये वायर लगा ली है। ये वायर लगाने के बाद ये पुश बटन है सेकंड फ्लोर के लिए, उसी तरह से कनेक्शन है जैसे हमने पहले किए थे। ये है आपकी कॉमन वायर, कॉमन वायर लग जाएगी ये, यहां पर जो हमने इसकी इंटरलॉकिंग की हुई थी, यहां पर आपका आ जाएगा इसका फेस। जी दोस्तों, यहां पर हमने कॉमन की वायर लगा दी है। अब इसी पुश बटन की जो ऑफ वाली वायर है, जैसे हमने K1 की लगाई थी उसी तरह से K2 की लगाएंगे। K2 के लिए ऑफ की वायर आप लगाएंगे जी यहां पर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसका है नीचे की तरफ नॉर्मल ओपन पॉइंट, ये वाला यहां पर हमने लगा देनी है ये ऑफ की वायर। K2 का नॉर्मल ओपन पॉइंट यहां पर आपके आ जाएगी ऑफ की वायर, ऑफ की वायर लग गई है यहां पर। और ये है आपकी ऑन की वायर, इसके साथ उसी तरह से हम जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के साथ इसकी दूसरी साइड है, यहां पर हम इसकी यानी कि नॉर्मल ओपन की वायर लगा लेंगे। जी दोस्तों, ये है हमारी ऑन की वायर एक साइड पर, इसकी दूसरी तरफ ऑफ की वायर लगी है। यहां पर हम इसकी होल्डिंग के लिए एक जंपर ले लिया, जैसे हमने K1 के लिए लिया था। ये आ गया जी जंपर हमारा, और ये लग जाएगा आपके A1 पॉइंट पर। ये है हमारा A1 का पॉइंट इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, इसको हम लगा लेते हैं यहां पर। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर A1 पर हमारा ये होल्डिंग का पॉइंट जो है ये लग चुका है, और A2 पर इसका न्यूट्रल लगा हुआ है। यहां पर दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं इस पॉइंट की तरफ। जी दोस्तों, इन दो की हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब बारी है इसकी, इसकी इंटरलॉकिंग करने के लिए K1 और K2 का इस्तेमाल करेंगे हम। यह है आपका फेस, फेस जो है पहले आएगा K1 के नॉर्मल क्लोज पॉइंट पर, यहां पर लग गया है जनाबे वाला। जी दोस्तों, यह है न्यूट्रल की वायर, न्यूट्रल की वायर आपने यहां पर लगा देनी है A2 पर। आप A1 पर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हमने A2 पर लगा दी है। तो जैसे कि आपने देखा है हमने जो मेन वायर थी फेस की K1 पर लगाई थी, ये वाली लगी हुई है ये इस साइड पर, ये देखें। तो इसी की ये बन रही है दूसरी साइड। दूसरी साइड से हम एक वायर लेंगे, वो वायर हम लगा देते हैं यहां पर। ये हम दोबारा उसी तरह से इंटरलॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यहां से वायर लेंगे, ये डायरेक्टली चली जाएगी आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 2 के नॉर्मल क्लोज के एक साइड पर, ये यहां पर आ जाएगी, क्योंकि यही पॉइंट हमारा बाकी रह गया था इसका। दोस्तों यहां पर हमने ये ग्रीन वाली वायर यहां पर लगा ली है। अब ये रहा है हमारे पास TPB3, ये इसका जो है ऑफ वाली, ये ऑफ वाली कह रहा हूं सॉरी, ये है आपकी कॉमन वायर। कॉमन वायर आ जाएगी आपकी यहां पर, यहां पर आपकी जब कॉमन वायर आ जाएगी तो उसके बाद आपके पास रह जाएंगी दो वायरें। एक वायर है ये ऑफ वाली और ये है आपकी ऑन वाली वायर। इसी तरह से जैसे हम पहले वायरिंग करते आ रहे हैं, ऑफ वाली वायर को आपने इसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की नॉर्मल ओपन पर लगा देना है,
ये है आपका नॉर्मल ओपन पॉइंट और ये है आपकी ऑन की वायर। उसी तरह से इसके साथ एक और हम लूप लगा लेते हैं, ये लूप हमारी होल्डिंग के लिए काम आएगा, हमने लूप लगा लिया है। अब दिखाते हैं इसको आपका दूसरा इसका पॉइंट, ये है इसका दूसरा पॉइंट। इधर आपने ये वायर यहाँ पर लगा देनी है और ये आपके होल्डिंग के लिए काम आएगी। और ये जो आपका पॉइंट बच गया है A1 का, यहाँ पर आपने इस वायर को जो आपके पास रह गई है इसको यहाँ पर आपने लगा देनी है। यहाँ पर आपकी जो है तमाम की तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको ऑपरेट करवा के दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो है मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको वन बाई वन इसको ऑपरेट करवा के दिखाता हूँ ये कैसे ऑपरेट होगा। यह है आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का पुश बटन, सेकंड फ्लोर का पुश बटन, जो है थर्ड फ्लोर का पुश बटन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ऑन किया, ये जैसे आप देख रहे हैं ऑन हो गया है। अब यहां पर ये दो फ्लोर हैं दूसरे, ये यहां पर देखें कि जिस वक्त ये ऑन नहीं कर सकते ना, ये ऑन कर सकता है, ये ऑफ यहीं से ही होगा, यहीं से ऑन होगा, यहीं से ऑफ होगा। इस के ऑन होने की कंडीशन के बाद ये अपना मैग्नेटिक कंडक्टर नहीं चला सकते। अगर यहां पर नीचे कोई पंगा लेता है, नीचे पैनल जहां पर आपका लगा होता है, इंटरलॉकिंग करने का मकसद ही यही है कि एक आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट चल रहा है तो दूसरा ना चले। अगर नीचे से कोई यहां पर पुश करता है, जो ही पुश करेगा ये आप हो जाएगा, जो ही ये इससे पुश करेगा ये आप हो जाएगा। जब वो ज्यादा पुश करेगा, ये इसको हम ज्यादा पुश करते हैं, ये अप हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, यानी कि इससे मोटर बंद हो जाएगी, इससे मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से ये है, अगर इसको ज्यादा पुश करेगा ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके जो यहाँ पर तीन सप्लाई आएंगी वो आपस में नहीं टकराएंगी, इंटरलॉकिंग करने का मकसद ही यही है। जी दोस्तों, अब बारी आ जाती है सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑन हो गया है, ये ऑफ हो गया है। ऑन होने के बाद ये जहां से ऑन नहीं होगा, यहीं से ही ऑफ होगा, यहीं से ही ऑन होगा। अब बारी आ जाती है थर्ड नंबर की, ये यहां से हमने इसको ऑन किया है, ऑन करने के बाद यहां से ये ऑन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कतअन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी इंटरलॉकिंग की हुई है। यहीं से ऑन होगा और यहीं से ही ऑफ होगा। ये ऑन कर लिया, इसको पुश किया, ये देखें, इन तीनों की इंटरलॉकिंग करने का मकसद ही यही है कि ये आपस में शॉक ना हो, आपस में यानी कि इनकी जो प्रोटेक्शन है आपस में मिलती रहे, ताकि एक चले और दूसरा बंद हो जाए, और दूसरा चले तीसरा बंद हो जाए, इसी तरह से ये काम करेगा। जी दोस्तों, ये तो होगी कंट्रोल की बात कि आपने कंट्रोल की वायरिंग कैसे करनी है। अब हम बात करेंगे इसके पावर की, कि पावर की वायरें आपने कैसे लगानी है, क्योंकि यहां पर आपकी तीन इनपुट आएंगी और एक आउटपुट होगी कॉमन, कॉमन जाएगी आपकी मोटर को। मेरे पास यहां पर इस वक्त मोटर तो अवेलेबल नहीं है, यहां पर मैं आपको एक बल्ब चला के दिखाऊंगा। ये आप थ्री फेस मोटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल फेस मोटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर विश व्हाट यू वांट टू डू हियर। सो यहां पर मैं आपको एक बल्ब ऑन करके दिखाऊंगा। चलो चलते हैं अब इसके पावर की तरफ, किसकी पावर की वायरिंग कैसे होती है। पावर की वायरिंग में थ्री फेस नहीं करूंगा यहां पर, यहां पर मैं आपको सिंगल फेस करूंगा, थ्री फेस का वैसे बता देता हूं। चलो चलिए देखते हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं पावर की। अगर हम थ्री फेस पावर की बात करें, तीन फेस यहां पर आएंगे एक मीटर के, दूसरे के यहां पर आएंगे, तीसरे के यहां पर आएंगे। और लूपिंग आपने कैसे करनी है, यह है आप, अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें, यहां पर आपने करनी है लूपिंग। लूपिंग करनी है कैसे है, आपने इसका इसके साथ लूप डलेगा, इसका इसके साथ डलेगा लूप, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जिनके जैसे आपने कॉमन लेनी है। फिर यहां से आपने तीन वायरें आपने अपनी मोटर को दे देनी है। हमने करनी है सिंगल फेस की लूपिंग। सिंगल फेस में हमने लूपिंग कैसे करनी है, इसके हैं तीन पॉइंट। एक पॉइंट हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे और दो पॉइंट हम फेस के लिए यूज करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, न्यूट्रल आप डायरेक्ट दे सकते हैं अपनी मोटर को और फेस के यहां पर लूपिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये है हमारे पास सिंगल फेस की, हम यहां पर वायरिंग कर रहे हैं।
ये हमने लूप लगा देना इस तरह से, ये एक लूप हमने लगा दिया है यहां पर ताकि इसकी डिवाइडेशन हो जाए, और ये वाली जो वायर है हमने इसी की जो हमने ऑपरेटिंग के लिए यूज किया हुआ पॉइंट को वो ये पॉइंट है, क्योंकि ये वाली वायर है ना इसकी मेन वायर, हम इसको मेन सप्लाई दे रहे हैं। इसकी मेन सप्लाई कौन सी है, ये यहां पर आ रही है, ये वायर हम लगा देंगे यहां पर क्योंकि यहां से इसको डायरेक्टली जो है फेस आ जाएगा आपके, यहां पर डायरेक्ट फेस आ जाएगा क्योंकि ये वाली जो वायर है हम इसको यूज कर रहे हैं मेन के लिए। मेन के लिए जो यूज कर रहे हैं, ये फेस हमारा यहां पर आ रहा था जहां से हमने लगा देना है इसको यहां पर। अब बारी आती है हमारे न्यूट्रल की, न्यूट्रल की जब बारी आएगी तो आपने न्यूट्रल कहां से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। न्यूट्रल हमने लेनी है ये यहां से, क्योंकि हमने जो डायरेक्ट न्यूट्रल की वायर थी यहां पर लगाई हुई थी। आप इस वायर को डायरेक्टली यहां पर आप पावर पॉइंट वाली साइड पर भी लगा सकते हैं पावर की, इस न्यूट्रल को। चलो हमने यहां पर लगा दी थी कोई बात नहीं, अब हम इस वायर को लगा देते हैं पावर वाली साइड पर। हम ये वाला पॉइंट हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे, ये लगा देते हैं हम यहां पर। एक की वायरिंग मैंने बताई है इसी तरह से होगी पावर की, और यहां पर हम लूपिंग कर देंगे वो भी हम आपको बताते हैं। इसी तरह से हम इन दोनों को वायरिंग कर लेते हैं सेम। जी दोस्तों, ये वाली हम करने लगे हैं लूपिंग। लूपिंग कैसे होती है चलो चलिए देखते हैं। जी जनाब वाला, फेस की जो है लूपिंग वो हो गई है। कैसे की है, जैसे हमने इस तरफ फेस को कवर किया था टू पॉइंट पे, जहां पर भी हमने टू पॉइंट में कवर कर लिया है, ये आ गया, ये आ गया, और जहां पर ये फेस की हमने कवरिंग कर ली है। अब हम करने लगे हैं न्यूट्रल की, कि न्यूट्रल को कैसे रिकवर करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हमने फेस की भी लूपिंग कर ली है और न्यूट्रल की भी लूपिंग कर ली है। अब हम लगाएंगे यहां पर बल्ब ताकि हम आपको दिखा सकें कि यहां पर ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी सप्लाई ऑन ऑफ होती है। ये जो आपकी आउटपुट सप्लाई है, आप चाहे इससे ले लें, चाहे इससे ले लें, चाहे इससे ले लें, कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि आपकी यहां पर ये लूपिंग हुई है। हम ले लेते हैं यहां से, आप सेंटर वाले से भी ले सकते हैं क्योंकि इसका मकसद तो एक ही है, चाहे आप सेंटर वाले से ले लें, फर्स्ट से ले लें, सेकंड से ले लें, जहां से मर्जी ले लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हमने ले ली है फर्स्ट से आउटपुट ले ली है, ये है हमारा बल्ब जो कि अब हम आपको इसको सप्लाई के साथ कनेक्टेड करने के बाद आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। यहां पर आप देख रहे हैं वायरिंग का जाल तो बिछ गया है, जैसे कि इंसानी जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, सर के ऊपर भी बाल होते हैं, इस तरह से आपको नजर आ रही है तारे तारे ही तारे, तारे ही तारे हो गई हैं जी। तो आपको कैसे पता चलेगा ये तारे कैसे कैसे लगी हुई हैं, अगर आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं तो आप ड्राइंग से देख के भी इजीली लगा सकते हैं। ये सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए ये सर्किट बनाया है। चलो चलिए अब इसको पावर के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको ये बल्ब ऑन करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो वायरिंग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ आपने फर्ज करना है कि आपके पास ये मोटर लगी हुई है तो बल्ब। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जी जनाबे वाला, आपकी मोटर रन हो गई है, यहां पर आपका बल्ब चल रहा है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। इसको अब ये वाले जो है ऑन नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक ये ऑफ ना कर दे। अगर ये चल रहा है, ये वाला पुश करेगा यहां से नीचे से, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हम यहां से ऑन ऑफ करते हैं इसको, जो हमने ऑन किया, ये वाले ऑन नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्योंकि इनकी इंटरलॉकिंग हुई है। ये वाला यहां से ऑफ होगा, फिर ये वाला ऑन होगा, ये वाले ऑन नहीं कर सकते, यहीं से ही ऑफ होगा, यहीं से ही ऑन होगा। यहां पर तमाम के तमाम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की एक एक नॉर्मल ओपन पॉइंट यहां पर बच गया है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है मोटर ऑन हो चुकी है या नहीं ऑन हो चुकी, आपके मीटर पर मोटर ऑन हो चुकी है या नहीं ऑन हो चुकी। यहाँ पर आप एक छोटा सा सुराख करके एक लाइट को लगा सकते हैं। लाइट कैसे लगानी है वो आप ड्राइंग के अंदर देख सकते हैं, जहां पर लाइट लगा सकते हैं, न्यूट्रल आपको वहीं से दे सकते हैं। और फेस जो है आपने कैसे देना है, फेस आपने इसकी जो है नॉर्मल ओपन में से घुमाकर फेस यहां से आपने फेस ले लेना, एक साइड पर यहां से ले लेना दूसरी साइड से, और अपने लाइट को दे देना है। उससे ये होगा कि जब भी आपकी मोटर रन होगी तो यहां पर आपको एक इंडिकेटर लगा होगा, लाइट सी लगी होगी छोटी सी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मोटर इस वक्त रन हुई है या नहीं हुई है। जी फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके इसलिए बताया है ताकि आपको अगर ड्राइंग की समझ नहीं आती तो आप मेरी वीडियो का एक एक पॉइंट करके आप अपनी वीडियो बना सकें। हमारी वीडियो को देखते रहें और इसको बनाते रहें। अगर आप हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आपका पॉइंट कहां से मिस हो रहा है और आप क्या करना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 मीटर की मदद से एक मोटर को कैसे कंट्रोल करवाना है, 2 मीटर से कैसे कंट्रोल करवाना है वो मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। 1 मीटर से कैसे ऑपरेट करवानी है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। 1 मीटर से 2 मीटर से हो गया, ये थी वीडियो 3 मीटर से। 3 मीटर से लगा लें या फिर जैसे कि जो कि आपका घर होता है 3 मंजिला, उसके अंदर 3 फेस मीटर लगा हुआ होता है, उसके अंदर क्या होता है 3 फेस आ रहे होते हैं, रेड येलो ब्लू और एक न्यूट्रल की वायर आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं कि एक एक जो आपका फ्लोर होता है उसको है ना एक एक फेस दे देते हैं, तो फिर वहां से भी आप उसी के जो एक एक फेस होगा वहां से भी आप अपने एक एक फेस देकर आप इसका यानी कि मोटर को ऑपरेट करवा सकते हैं। एक एक फेस कैसे होगा, आपको सब मीटर लगा कर देते हैं कि आपके घर के अंदर इतने यूनिट चले हैं, तो वहां से इसके लिए यहां पर एक एक फेस दे देते हैं। सो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ये डिमांड की थी, हमारा एक सब्सक्राइबर है, हमारा एक भाई है, उन्होंने डिमांड की थी कि भाई 3 मीटर से मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो मेहरबानी करके आप हमें ये वीडियो बनाकर दिखाएं। तो हमने उसके लिए और आप सब भाइयों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप सब भाइयों को भी पता चल जाए कि अगर आपको कहीं पर ये सर्किट बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। ये ज्यादातर आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है, हाँ भाई आपके पास 3 मीटर है, 1 मोटर है, कैसे ऑपरेट होगी, तो आप उसके लिए ये सर्किट ड्रा कर सकते हैं। जब मैंने सर्किट को ड्रा किया था तो वहां पर बहुत ज्यादा तारें नजर आ रही थी, ऐसे लगता है यार यहाँ पर तो है ना जंगल बिछ गया है वायरों का। तो मैं यहाँ पर आपको जो है ड्राइंग भी दूंगा, यहाँ पर शो भी कर देता हूं आपको ड्राइंग, यहां से आप देख सकते हैं ड्राइंग को, बहुत ही आसान ड्राइंग है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप इसे वहां पर जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी है आपने हमें जो है कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके उन दोस्तों को भी पता चल जाए कि 3 मीटर से मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मुझे तो बहुत मजा आया है बनाते हुए, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।